मर्दाना ताकत, जहां भी मैं पुरुष के जोश की बात कर रही हूँ या पावर की बात कर रही हूँ या स्टेमिना की बात कर रही हूँ, तो समझिए कि हर कोई ये चीज़ इम्प्रूव करना चाहता है। आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत से कपल्स हैं, ऐसे बहुत से मेल्स हैं जो अपना स्टेमिना, अपनी पावर, अपनी सेक्स लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। लेकिन कैसे करें, क्या ऐसे घरेलू उपाय हैं, क्या ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, क्या ऐसा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है जो मुझे करना चाहिए ताकि मैं अपने स्टेमिना को इम्प्रूव कर सकूँ। ये स्टेमिना इम्प्रूवमेंट की जो मैं वीडियो बना रही हूं, ये सिर्फ 40 या 45 साल के लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो है कुछ 20 साल से लेकर 60 साल तक, जब आप चाहते हैं कि मैं अपनी सेक्स लाइफ को बेटर से बेटर एंजॉय कर पाऊं, और मैं चाहता हूं कि अभी मेरी शादी नहीं भी हुई है या हुई है, मेरा स्टेमिना बरकरार रहे, मैं जैसे भी करूं, या फिर एक उम्र के बाद भी मैं चाहता हूं मैं परफॉर्म कर पाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूं, मैं पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंच पाए, और ये वीडियो स्पेशली हर उम्र के लिए। ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं कि मैं 45 के बाद भी क्या ये काम करेगा, या मैं क्या करूं मुझे बताइए, तो हर क्वेश्चन के आंसर मैं लेकर आ गई हूं। तो मुझे पता है ये वीडियो आपने अंत तक देखना है, लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी मर्दाना जोश, पुरुष जोश की, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मेल के सेक्सुअल परफॉर्मेंस की या उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस की, उसकी डोमिनेंसी की अगर हम बात करते हैं। तो ऐसे में जब मैं जोश का नाम ले रही हूँ, जोश से सबसे पहले हमें ध्यान आता है हमारी फिजिकल एक्सरसाइज। कहते हैं कि जब आप इरेक्शन की बात करते हैं, ऐसे में अगर आपका ब्लड फ्लो उस एरिया में बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ओवरऑल ब्लड फ्लो के लिए क्या ज़रूरी है, आपके हृदय में धड़कन, गति, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ब्लड फ्लो हर जगह बहुत अच्छा हो। और अच्छे ब्लड फ्लो के लिए आपने क्या करना है, एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, मतलब जिसमें आपकी दिल की धक 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 बढ़े, ऐसी एक्सरसाइज करनी है। चाहे वो भागना हो सकता है, चाहे वो आपके ट्रेडमिल पे वॉक करना हो सकता है, चाहे वो घर बैठ के कुछ स्क्वाट्स मारने हो सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें थोड़ा सा चलना फिरना आपकी दिल की गति बढ़े। इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़िया होगा, नीचे के एरियाज पे भी ब्लड फ्लो बढ़िया होगा और आपका इरेक्शन स्ट्रांग रहेगा। ये हर उम्र में आप कर सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 40, 50, 25 से नीचे नहीं कर सकते हो। दूसरी बड़ी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी, खाना। खाने के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि इफ़ यू आर अबव 18 और आप कहीं ना कहीं अपनी सेक्स पावर को बेटर और बढ़िया करना चाहते हो, तो फिर अच्छा खाना खाओ। छुहारा, बादाम दूध में डाल के लेना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, फ्रेश फ्रूट्स बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, थोड़े स्पाइसेस, मिर्च, लहसुन, ये सब भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। केला, जिसमें पोटेशियम है या पोमोग्रेनेट है, वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। कोई भी ऐसी डाइट जो आपकी फिजिकल बॉडी, आपके दिमाग के स्टेमिना को इम्प्रूव करती है, वो अल्टीमेटली आपकी सेक्सुअल पावर को भी इम्प्रूव करती है। तो जितना आप अच्छा डाइट लेंगे उतना अल्टीमेटली वो हेल्प करेगा। तीसरी बड़ी चीज़ जो मैं, अगर आप जोश के बारे में बात करें, तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि एक्चुअली हैं ही सेक्सरसाइजेज, जैसे हम कहते हैं ना सेक्स के लिए ही हैं। तो उसके अंदर मैंने कीगल्स एक्सरसाइज का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, बहुत सारे ऐसे नौका आसन का मैंने एग्जाम्पल दिया है, उत्तान पादन आसन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये सब कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिस पे ऑलरेडी वीडियोस हैं जो आपको करनी ही चाहिए। ये एक्सरसाइजेस का मतलब ये आपके पेल्विक मसल को स्ट्रांग रखना। जितना आपका पेल्विक मसल स्ट्रांग रहेगा, आपका वेट ज़्यादा भी है या उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, एंड हाई फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस एंड डिफरेंट वे टू इन्जॉय। साथ साथ के लिए कुछ ऐसे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, हर्बल इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, जो कि सदियों से ट्रस्ट किए जाते हैं और माने जाते हैं कि वो काम करेगा, जैसे सफ़ेद म्यूसली है, गोक्षुरा है, अकरकरा है, जो कि एक्चुअली हैं ही, जिनका पर्पस यही है कि मेल वीकनेस, फर्टिलिटी इश्यूज, स्पर्म प्रोडक्शन ऐसे में हेल्प कर पाए। तो उन सब का अर्क जो है या उन सब के जो एक्सट्रैक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगर आप रूटीन की बात करते हैं या आप चाहते हैं कि मैं जोश इंक्रीज कर पाऊँ, तो आपको अपने आप को मेंटली फ्री रखना होगा। काम धंधा बिजनेस पैसा आया नहीं आया, वो क्या कह रहा था, पड़ोसी क्या कह रहा, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, इसको छोड़ के आप चाहें अपने पार्टनर में समय बिताएं। जितना आप उनकी बॉडी को चेरिश करेंगे, जितना आप उनके साथ वक्त बिताएंगे, उनको देखेंगे, नए नए मेथड्स यूज़ करेंगे, जैसे नई पोजिशंस हो सकती हैं, नया एनवायरनमेंट हो सकता है, नई फ्रेग्रेंस हो सकती हैं, नए कपड़े हो सकते हैं, थोड़ा हाइजीन रिलेटेड
रिलेटेड हो सकता है, कोई नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको बेटर टाइम देंगी और आप अल्टीमेटली आपका स्टेमिना बढ़ेगा। स्टेमिना बढ़ने से रिलेटेड एक बोलते हैं ना गांठ वाली टिप मैं आपको ज़रूर दूंगी। कभी मैं हमेशा ये मत सोचें कि वन टाइम में ज़्यादा देर चलना चाहिए। जितना आप रुक रुक के एक एक्टिविटी करा, एक फोर प्ले किया, फिर पेनिट्रेशन किया, फोर प्ले किया, फिर किया, जितना आप रुक रुक के करेंगे आपका स्टेमिना ऑटोमेटिकली ज़्यादा रहेगा। वन टाइम आप सोचें कि एकदम से सब कुछ हो जाए, दैट इज नॉट राइट। सेक्स इज ऑलवेज अ मोमेंट ऑफ प्लेजर, तभी आपका स्टेमिना बढ़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आशा करती हूँ मेरी टिप्स आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, अब आपके स्टेमिना में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पर्सनलाइज सेशन के लिए www.drnehamehta.com और इंस्टाग्राम और फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।